देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। हत्या के प्रयास करने वाले चार अभियुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार। दिनांक 2 अगस्त को थाना शिकारपुर क्षेत्रांतर्गत कमरुद्दीन खान पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम मामो हाल निवासी मोहल्ला चौक चैनपुरा कस्बा व थाना शिकारपुर बुलंदशहर ने अपने गांव निवासी तीन अभियुक्तों को नामजद कराते हुए उस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के संबंध में थाना शिकारपुर पर मुआसंख्या 269/22 धारा 307 506 भादवी पंजीकृत कराया था। उक्त घटना के क्रम में दिनांक 6 अगस्त को थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अपन पंकज सौरभ व रवि को अवैध असलहा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता अपन पुत्र कृष्णवीर सिंह निवासी ग्राम मामो थाना अहमदगढ़ बुलंदशहर पंकज पुत्र रजनेश निवासी उपरोक्त सौरभ पुत्र भूरा शर्मा निवासी उपरोक्त रवि पुत्र कालीचरण निवासी उपरोक्त उनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर में दो जिंदा कारतूस एक चाकू नाजायज़ एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर घटना में प्रयुक्त गिरफ्तार अभियुक्त पंकज द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उसके गांव निवासी कमरुद्दीन से उसकी पुरानी रंजिश है जिसको लेकर उसने अपने गांव निवासी अपन सौरभ उर्फ पुनीत व रवि के साथ मिलकर दिनांक 2 अगस्त को कमरुद्दीन पर गोली चलाई थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना शिकारपुर पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। द्वारा हत्या के प्रयास करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका क्या पूरा नाम? 2/8 को ये कमरुद्दीन है, ये झोला छाप डॉक्टर है, मामाऊ अहमदगढ़ के रहने वाले। ये घर से निकलते हैं अहमदगढ़ से शिकारपुर के लिए। रास्ते में शिकारपुर पहुंचने से पहले बम्बी है, उसी के पास जो है ये चार लोग हैं अपन पंकज सौरव और रवि। ये लोग रास्ते में ही रैकी किए रहते हैं और इन पे हमला करते हैं, फायर करते हैं, उसको गोली लगती है। उल्लेखनीय ये है कि डॉक्टर ये जो पंकज हैं ये भी झोला छाप डॉक्टर हैं जिन्होंने गोली चलाई। आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण और कुछ अपनी इनकी रंजिश थी और यह सोच थी कि अगर कमरुद्दीन की डेथ हो जाती तो हम यहाँ मामाऊ में अकेले डॉक्टर झोला छाप हो जाएंगे, हमारी क्लिनिक अच्छी चलेगी। इसी लालच में इन्होंने अपने इन तीन साथियों को और शामिल किया और उस पर गोली चलाई और वो सौभाग्य से वो बच गया और उसने FIR कराया और इनकी चारों की गिरफ्तारी हुई। इनके साथ में एक 315 बोर का तमंचा, एक नाजायज चाकू और घटना के समय प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। नहीं, अभी ये नए लड़के हैं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये जो पंकज है झोला छाप डॉक्टर, इन्हीं ने और तीनों को गुमराह करके लालच दे करके अब इस घटना में शामिल कर लिया। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।